जोश में चंद्रचूर्ण सिंह के किरदार के लिए भी आमिर को अप्रोच किया गया था, लेकिन आखिर तक फिल्म की स्टार कास्ट में बदलाव होते रहे। हालांकि इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने ये नहीं बताया कि सलमान और आमिर ने फिल्म में काम करने से क्यों मना किया था। पिछले दिनों ऐश्वर्या ने खुलासा किया था, दीपिका पादुकोण पद्मावत में रानी पद्मावती के किरदार के लिए निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। ऐश्वर्या ने बताया था, हम बाजीराव मस्तानी में साथ काम करने वाले थे, लेकिन वह मेरे लिए बाजीराव नहीं ढूंढ पाए। वह चाहते थे कि मैं पद्मावत में काम करूं, लेकिन कास्टिंग के वक्त उन्हें मेरे हिसाब का खिलजी नहीं मिला, तो इस तरह से चीजें नहीं हो पाई। मुझे उनके साथ दोबारा काम करने में खुशी होगी। ऐश्वर्या राय की फिल्म फने खान 3 अगस्त को रिलीज हुई है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव जैसे बड़े सितारे होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू नहीं चल सका है।